हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीत फिटनेस एंड हेल्थ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी ब्रेस्ट फैट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइजेस, और ये हम करने वाले हैं आज बेड पर। सो आप इजीली इन्हें बेड पर कर सकते हैं या फिर इन्हें खड़े होकर भी कर सकते हैं। कई बार हम लेज़ी हो जाते हैं, तो उसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बेड पर करने वाली कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस, जिसे करके आप अपना ब्रेस्ट फैट रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक शेयर किया था, आप उसे ज़रूर देखिएगा और उसे पीने के बाद ही एक्सरसाइजेस कीजिएगा, तो इससे आपके जो बेनिफिट्स हैं वो डबल हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। तो चलिए एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें इस तरह से पीछे को हमारे हैंड्स को पुश करना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी ब्रेस्ट में एक तरह का खिंचाव होगा। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी सिंपल है, एंड मैंने आपके साथ टाइमर शेयर कर दिया है, तो आप टाइमर के साथ ही सारी एक्सरसाइजेस कीजिएगा। अब हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें इस तरह से हमारे एल्बोज टच होने चाहिए। अगर आपके एल्बोज आपस में टच नहीं हो रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स फाइन। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, इसमें इस तरह से हमारे हैंड्स पीछे की तरफ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेस्ट पर, चेस्ट पर बहुत ही ज़्यादा खिंचाव आएगा। आप ये एक्सरसाइजेस करते समय बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कुछ इस तरह से है। हैंड्स को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे, इससे भी हमारे चेस्ट पर और ब्रेस्ट पर काफ़ी खिंचाव आएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, ये भी काफ़ी आसान है एंड थोड़ी सी ट्रिकी है। इसमें हमारा एक हाथ ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरा हाथ हमारा पीछे रहेगा। आप देख सकते होंगे जो मेरा पीछे का हैंड है वो किस पोजीशन में है। हमें इस तरह से एक तरफ झुकना है एंड फिर दूसरी तरफ।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें हमारे हैंड्स को इस तरह से मूव करना है जैसे कि हम ऊपर से कोई चीज़ खींच रहे हैं। दूसरे हैंड से भी सेम यही मूवमेंट हमें करना है। जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इसमें हमारी शोल्डर का, चेस्ट का प्लस हमारे वेस्ट का एक्सरसाइज होगा और हमारा जो एल्बो है वो हमारे बेड पर टच होना चाहिए। हम दोनों तरफ झुकेंगे और दोनों तरफ हमारा एल्बो बेड पर टच होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करते समय आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, उससे आपको और अच्छा बेनिफिट होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा स्लो स्पीड में ही आपको कर दिखा रही हूँ। अब हमें जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए हम इस तरह से पोजीशन ले लेंगे। हमारे जो पैर हैं वो हमें क्रॉस में कर लेने हैं, आप चाहें किसी भी साइड से क्रॉस में इन्हें कर लें। और जो आगे के हैंड्स हैं वो अच्छे से उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए और हम इस तरह से झुकेंगे। पैर हमारे नीचे टच नहीं होने चाहिए, सिर्फ हम आगे से ही झुकेंगे। अब जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसके लिए हमें इसी पोजीशन में बैठना है और हैंड्स ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर इन्हें पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है और ये बेड पर टच होंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारा एक हैंड इस तरह से फोल्ड होकर आगे रहेगा और दूसरा पीछे, इसी तरह से हमें इसे करना है।
सो ये थे हमारे आज के बहुत ही सिंपल एंड इजी ब्रेस्ट फैट रिड्यूस करने के एक्सरसाइजेस। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारी बॉडी का जो है स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे अगर आपकी कोई भी नस पे स्ट्रेन पड़ा है या कोई नस खिंच गई है तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। फर्स्ट जो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें हम इस तरह से करेंगे, मैं आपको साइड से करके दिखा देती हूँ। हमारे जो हैंड्स हैं, हम पीछे की तरफ इन्हें पुश करेंगे। हमारे आर्म्स पीछे की तरफ होने चाहिए और हमारे हाथ कमर पर होने चाहिए। हम इसी पोजीशन में थोड़ी देर बैठेंगे। अब ये करने के बाद हम नेक्स्ट जो स्ट्रेचिंग करने वाले हैं उसमें हम हमारे एक हाथ को शोल्डर पे रख लेंगे और दूसरे हाथ को नीचे की तरफ इस तरह से इसे प्रेस करना है। ऐसा करने से आपकी चेस्ट पे और जो शोल्डर एंड हैंड्स का जो हमने एक्सरसाइज किया है उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो अब हम इसी पोजीशन में इजीली बैठ जाएंगे और एक बार सांस अंदर लेंगे और फिर सांस को छोड़ देंगे। आप चाहें तो ये एक्सरसाइज आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आपको बहुत ही रिलैक्सिंग फील होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा बहुत ही इजी एक्सरसाइज सेशन। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आप मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच करते होंगे और उन्हें फॉलो भी करते होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड मेरी लास्ट वीडियो को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।